दिनांक 8 नवंबर को संत ईश्वर फाउंडेशन की तरफ से एक दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वीएचपी के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी, भारती खन्ना और वृंदा खन्ना, श्री वरदान त्रिवेदी, माधवी जी और साध्वी प्रज्ञा भारती, कश्मीरी लाल और हजारी लाल गर्ग भी शामिल रहे। संत ईश्वर फाउंडेशन की कोर कमेटी के सदस्य और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संत ईश्वर फाउंडेशन जो पानीपत में स्कूल चलाती है, वहाँ के बच्चों को जाके इन्होंने पेंटिंग सिखाई है और बच्चों ने इतना एंजॉय किया है कि स्कूल आज खत्म होने के बाद वो 2 घंटा वापस आए हैं इनसे सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष के सम्मान समारोह में हमारी जो माधवी बहन है, पूरे 3 दिन वहीं पर ही पूसा इंस्टीट्यूट में रही, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने देखी, वहीं पर ही कमरा लेकर रही और सभी सम्मान प्राप्तकर्ता जितने भी आए थे, हमारे 18 सम्मान प्राप्तकर्ता, उन सब के साथ में पूरा समन्वय बिठाना, उन सब इंटरव्यू लेना और उन सब के साथ में अगली वर्ष की जो पुस्तक हमारी बननी है उसकी तैयारी में पूरा काम किया इन्होंने इस बार। संतों की वाणी इस दिन का इंतजार कर रही थी जो हमको आगे जनवरी के अंदर 22 तारीख को देखने का मौका मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलेगा, उस बड़ी इवेंट के, उस बड़ी घटना के हम सब गवाह बनेंगे और उसका शुरुआत जो है इस आज के दिवाली मिलन के कार्यक्रम से, भगवान राम के पुनरागमन के कारण से हो रहा है। और इसलिए मैं संत ईश्वर अवार्ड समिति के जो इतनी बड़ी कोर कमेटी है, और मुझे लग रहा था कि एक शब्द का मैं बदल कर दूं, उन्होंने कहा कि क्या मंडप भारत मंडपम को भरना पड़ेगा, मैं सोच रहा था भारत मंडपम से जो लोग बाहर रह जाएंगे उनसे आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, ये टीम इतना करने की स्थिति रखती है। जय श्री राम। प्रोग्राम में भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया, रंगोली सजाई गई और सब ने दीप प्रज्वलित करके दिवाली पर्व का शुभारंभ किया और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। और ऐसी डेली न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।